विक्रेता को कुचल दिया। मौके पर ही केला विक्रेता की मौत हो गई और इसके बाद पीड़ित परिजनों और स्थानीय लोगों ने बवाल काटा। मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी, तभी जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पहुंचे और पीड़ित परिजन को थप्पड़ रसीद दिया। इसके बाद सियासत भी गर्मा गई है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के थप्पड़बाज विधायक गोपाल मंडल हैं। बीच सड़क पर गुंडई कर रहे गोपाल मंडल सत्ता की सनक में हैं। ये बिहार में सत्ताधारी विधायक का असली चेहरा है। नीतीश के विधायक खुद को डीएम का बाप कहते हैं। दरअसल भागलपुर के जीरो माइल पर इसी ट्रक ने एक साइकिल सवार केला विक्रेता को रौंद दिया। पीड़ित परिजन बता रहे हैं कि कई मीटर तक केला विक्रेता को घसीटा गया। हादसे में हुई मौत के बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। सड़क पर लोग उतर आए, ट्रक को कब्जे में लिया, तोड़फोड़ की गई, सड़क जाम कर दिया गया। पुलिस पूरे मामले को शांत कराने में जुटी थी, तभी जेडीयू के दबंग विधायक गोपाल मंडल की एंट्री हुई। जेडीयू विधायक ने तमतमाते हुए मृतक के एक परिजन को थप्पड़ रसीद दिया। जब सवाल दागा गया तो सुनिए कैसे ये थप्पड़बाज विधायक पब्लिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। नहीं नहीं, हम अपने आदमी को मारे, हमारे साथ जो आदमी था हमको समझाने नहीं दे रहा था, हमको घींचता था, अपने आदमी को थप्पड़ मारे और कौन उसके आदमी को थप्पड़ मारे हैं, बेवकूफ हैं। हमारा चुनाव होने जा रहा है, हम एमपी का चुनाव लड़ेंगे, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे, हम पब्लिक को थप्पड़ मारेंगे? हमारे साथ जो हमारा आदमी था वो घींच रहा था, समझाने नहीं देता, उसको मैंने थप्पड़ मारा। नीतीश का राउडी विधायक कितनी साफ गोई से कह रहे हैं कि मैंने अपने आदमी को मारा है, मैं कोई बेवकूफ हूँ जो पीड़ित को मारूंगा। तो इस तस्वीर को फिर से देखिए और सोचिए ये सत्ताधारी विधायक कितना बड़ा झूठा भी है। ये खुद को प्रशासन से ऊपर का तोप समझते हैं। डीएम साहब का अंबर का है, सरकार के लोग हैं, बिहार विधानसभा सचेतक हैं। जेडीयू के थप्पड़बाज विधायक पर बीजेपी तुरंत कार्रवाई की मांग कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री क्यों सोए हुए हैं? ऐसे विधायकों पर लगाम क्यों नहीं लगाते हैं? ये कौन अधिकार दिया है, किसने अधिकार दिया है ऐसे व्यक्ति को जो आम आदमी को धक्का देता है? दूसरी ओर लालू यादव की पार्टी कह रही है प्रशासन मामला देख रहा है। तो आरजेडी को कोई बताए कि पुलिस के सामने ही जेडीयू विधायक ने गुंडई की है? इस तरह का हुआ है तो इसको किसी भी स्थिति में जायज नहीं ठहराया जा सकता और इस तरह के मामले पर स्थानीय स्तर पर प्रशासन देखने का काम करेगी और ऐसे मामले जो कहीं ना कहीं आम जनों को तकलीफ पहुंचाने वाला हो इससे सबको बचना चाहिए। वहीं अपनी पार्टी के विधायक की गुंडई पर जेडीयू बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है। तो भाजपा कार्रवाई की मांग कर रही है तो भाजपा तो पहले इस बात के लिए जो है इस बात को याद करिए कि भाजपा के सांसद के अनुशंसा से उपद्रवी घुस जाते हैं संसद भवन के अंदर, बवाल मचाते हैं और भाजपा के जिन सांसद के अनुशंसा से पास बना वो आज खुलेआम घूम रहे हैं। ये बिहार में जनता की हैसियत है, एक सत्ताधारी विधायक थप्पड़ मारता है, बाकी सत्ताधारी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। भागलपुर से अश्विनी और